नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस स्टडी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन AGSU। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 ATKT की जो एग्जाम है वो चल रही है, और कल स्टूडेंट्स का जो लास्ट पेपर है ATKT सेमेस्टर 2 का वो है, और कल जो उनका लास्ट पेपर है IEPP यानी कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी। तो इस पेपर के लिए मैं आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बताना चाहूँगा, आप सब लोग राइट डाउन करें। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ग्रेट रिवॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ग्रेट रिवॉल्यूशन, एंड लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 में से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एंड 1991। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 इन यूनिट 3 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे IEPP सब्जेक्ट के थे, FI BCOM सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए। आप सभी को कल के लास्ट पेपर के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट।